Now see, question number 3 is write following ratio in reduced form. क्या लिखा है? राइट फॉलोइंग रेशियो इन रिड्यूस फॉर्म. रेडियस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल, रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल. क्या दिया है? रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस क्या है आर, और डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं? 2 इंटू आर. डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं? 2 इंटू आर. सो आर अपॉन 2r इज इक्वल टू 1 इंटू आर 2 इंटू आर. आर आर कैंसल, R स्टैंड फॉर रेडियस, R R कैंसल, बचा क्या? 1/2. इट इज 1:2. इट इज 1:2. ओके. सेकेंड सम देखो, रेशियो ऑफ डायगनल टू लेंथ ऑफ रेक्ट्रैंगल. रेशियो ऑफ डायगनल ऑफ रेक्ट्रैंगल टू लेंथ ऑफ रेक्ट्रैंगल. अब इसमें लेंथ और ब्रेथ दिया है. द रेशियो ऑफ डायगनल टू लेंथ ऑफ अ रेक्ट्रैंगल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर ब्रेथ 3 सेंटीमीटर. इस रेक्ट्रैंगल में लेंथ है 4 और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर. उसका डायगनल के साथ रेशियो है, लेंथ का डायगनल के साथ रेशियो है. तो जो दो हम लोग को साइड्स दी है, लेंथ और ब्रेथ दिया है, उससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे? वेरी गुड, डायगनल फाइंड करेंगे, डायगनल. अब देखो रेक्ट्रैंगल, रेक्ट्रैंगल मतलब क्या? 90 डिग्री. उसका डायगनल जो है, ओके तो डायगनल ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ डायगनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. डायगनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. लेंथ क्या है 4 और ब्रेथ क्या है 3. तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 4 का स्क्वायर है 16 और 3 का है 9. 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 3 का क्या है 9. दोनों को ऐड किया तो आंसर है 25. क्या आंसर आता है? 25. एंड देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू 5 बाय स्क्वायर रूट. डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ना. तो अगर दोनों साइड का हम लोग ने स्क्वायर रूट लिया तो डायगोनल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? डायगोनल. और 25 का क्या आएगा? 5. तो डायगोनल कितना है इसमें? 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज डायगोनल? 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू राइट अ रेशियो. रेशियो ऑफ डायगनल टू लेंथ. रेशियो ऑफ डायगनल टू लेंथ, तो डायगनल कितना है 5 और लेंथ कितना है 4. दैट इज 5:4. क्या है? 5:4. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड. नाउ थर्ड वन, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर. क्या दिया है? रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर. रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर के ऑफ एरिया के सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 4 इंटू साइड. क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या कि चारों जो साइड है उसको हम लोग प्लस करते हैं. स्क्वायर के चारों की चारों साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो उसको साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करने से अच्छा है 4 इंटू साइड लिखा, राइट. तो 4 इंटू साइड और एरिया क्या था उसका? साइड स्क्वायर. वाई? बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, L इंटू ब्रेथ. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल क्योंकि 90 डिग्री है चारों, तो वो क्या है? रेक्टेंगल है. लेकिन इसके साइड जो है साइड स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है. ये तो फॉर्मूला है, तुम लोग को पता है, क्योंकि साइड और लेंथ क्या होती है? सेम होती है. तो 4 इंटू साइड अपॉन साइड स्क्वायर. सो 4 इंटू 4 अपॉन 4 स्क्वायर. 4 इंटू 4 अपॉन 4 स्क्वायर. अब 4 इंटू 4 का तो आंसर है 16 एंड 4 का स्क्वायर क्या तो भी क्या आया 16. डिवाइड का तो आंसर क्या आया 1 एंड देयरफॉर रेशियो इज 1:1. क्या रेशियो आएगा? 1:1. समझ में है? ये 1:1 तभी आ सकता है अगर इसकी साइड 4 होगी तो ही, वरना नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हुआ. राइट डाउन.